शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम शिवराज सिंह चौहान से कर रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ रहे। आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उसके साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने और किस तरह से एक नए अंदाज में ट्वीट करके राहुल गांधी को घेरा है और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताऊंगा शिवराज सिंह चौहान का वो बयान जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर दिया है। रिपोर्ट्स की तरफ मैं चल रहा हूं और देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान उन्होंने ट्वीट के जरिए, जी हाँ ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। और देखिए उन्होंने क्या बताया है, आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अब उन्होंने बताया है कि पूरा जो राहुल गांधी है, राहुल का अर्थ क्या होता है। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बताने की कोशिश की है कि राहुल का पूरा अर्थ क्या होता है और किस तरह से राहुल गांधी जो है इसी तरह की रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का मतलब देखिए, आर का मतलब रिजेक्टेड, ए का मतलब एब्सेंट माइंड, एच का मतलब होपलेस, यू का मतलब यूजलेस और एल का मतलब लायर। ये पूरा नाम है राहुल और राहुल का ये क्या, आर का क्या मतलब होता है, ए का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है और एल का मतलब क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन शिवराज सिंह चौहान ने दी है। और शिवराज सिंह चौहान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की दरअसल परिभाषा ही यही है, जिस तरह से वो होपलेस हैं, कुछ भी बयानबाजी दे देते हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं और जनता अब उन्हें नहीं पूछ रही है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने बीते कुछ समय पहले ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा था और ममता का अर्थ भी बताया था। चलिए यहाँ पर हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा है ये आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अपने असम के दौरे में उन्होंने राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जिस तरह से वोटर्स को झूठे वायदे कर रहे हैं, ये बताता है कि राहुल गांधी केवल वोट के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज यही नहीं रुके, चुनावी सभा के बाद उन्होंने राहुल गांधी के आज दिन में आरएसएस पर किए गए ट्वीट को लेकर भी देखिए उन्होंने निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा था, उनका मानना था कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है, परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों का सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है, अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर जो बयान दिया उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। दरअसल आपको बता दूं कि चुनावी माहौल जो शुरू हो चुका है उससे पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजियां भी हो रही है, जमकर राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और इस हद तक निशाना साध रहे हैं कि वो अब जो नाम है उसका मतलब बताने लग गए हैं, यानी कि जो नेम है उसकी डेफिनेशंस बताने लग गए हैं और ये बताता है कि चुनावी स्तर अब कहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले राहुल गांधी पर निशाना साधना शिवराज सिंह चौहान का यह अंदाज बताता है कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान फुल मूड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पूरे एक्शन के मूड में है, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने अगर स्टार प्रचारक की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल किया है तो सोच समझ कर ही शामिल किया होगा। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जिस तरह यहाँ पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है, टीएमसी को घेरा जा रहा है और बकायदा ट्वीट के जरिए भी घेरने की कोशिश की जा रही है, तो इसका साफ मतलब यह है कि अब जो है जो राजनीति का माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। राजनीति की अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो चुनाव पर नजर है वो है असम और बंगाल। जी हाँ, असम की मैं बात करूँ तो असम में भी कल पहले चरण का जो है जो चुनाव है वो होने वाला है और अगर बात की जाए बंगाल में भी पहले चरण का
चुनाव है। तो यहाँ पर देखिए जो चुनाव की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिक पार्टी के नेता वोटर्स को लुभा रहे हैं और वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अन्य राजनीतिक पार्टी के नेता उनको निशाने पर ले रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल और असम का जो माहौल है, राजनीति का क्या माहौल है, वो ये बताता है कि फिलहाल असम और बंगाल दोनों जगह बीजेपी को खूब टक्कर मिल रही है। बंगाल में बीजेपी को टीएमसी से टक्कर मिल रही है, तो वहीं असम में कांग्रेस और जो कहें अगर कि बदरुद्दीन जो है पार्टी, बदरुद्दीन की जो पार्टी है उनसे टक्कर मिल रही है। तो यहाँ पर असम और बंगाल का चुनाव बहुत ज़्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। असम और बंगाल के चुनाव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये चुनाव अपने आप में और ज़्यादा महत्व इसलिए भी हो चुका है क्योंकि बंगाल चुनाव बीजेपी ममता वर्सेस मोदी बन चुका है, तो असम में बाकायदा प्रियंका गांधी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की, राहुल गांधी जिस तरह से वहां पर पहुंचे और जिस तरह से वहां पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई, इसका मतलब यह है कि बंगाल और असम चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। हालांकि अन्य राज्यों की तरफ भी बीजेपी का पूरा ध्यान है और अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर लगाया गया है असम में और बंगाल में। बंगाल में तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत ही लगा दी, यहाँ तक कि खुद नरेंद्र मोदी उनको यहाँ पर आना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई रैलियां की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दिग्गज से दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतारा। अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव में आए और बहुत सारी रणनीतियां बीजेपी की तरफ से बनाई गई, यानी कि ये बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखता है ये इस बात से पता चलता है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। अगर बंगाल चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल जाता है तो इसका मतलब ये समझिए कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी दोबारा जो है वो सिर उठा पाने की कोशिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह के वायदे बीजेपी ने किए हैं, जिस तरह के वायदे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किए हैं, ये बताता है कि किस तरह से उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह दी है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दोबारा से कमल खिलेगा और अगर कमल नहीं खिलता है तो ये बीजेपी के लिए शर्मनाक हार होगी। और पश्चिम बंगाल चुनाव से ही पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल बहुत ज्यादा माहौल गर्मा चुका है असम के अलावा पश्चिम बंगाल का भी, और अन्य राजनीतिक जो माहौल है, अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी स्थितियां फिलहाल जो है बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं बीजेपी की तरफ से जिन स्टार प्रचारकों को उतारा गया है वो इस वक्त फुल मूड में नजर आ रहे हैं, वो लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, कैलाश विजयवर्गीय की और जेपी नड्डा, इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और जो लगातार अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पहले चरण का जो चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा उसके बाद से थोड़ी थोड़ी तस्वीरें साफ होने लगेगी कि आखिरकार बंगाल की जनता का मूड क्या है, असम की जनता का मूड क्या है, क्या बीजेपी की ये जो रणनीति है ये यहाँ पर काम आती हुई नजर आ रही है, क्या असम में बीजेपी की रणनीति चलेगी या बंगाल में दीदी का जादू चलेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल अभी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी केवल क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन इनका उत्तर धीरे धीरे आने वाले समय में पता चल जाएगा। यानी कि कहा जाए कि पहले चरण का जो चुनाव पश्चिम बंगाल में और असम में होगा उन चरणों के चुनाव से ही पता लग जाएगा कि आखिरकार क्या स्थितियां हैं। फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो पूरा जो देश का चुनावी माहौल है ये चुनावी माहौल बताता है कि किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। देश के ये चुनावी माहौल बताते हैं कि स्थितियां आज क्या है। अगर वैसे देखा जाए तो फिलहाल जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में टक्कर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को उतारा।
जिनमें बहुत सारे नेताओं का नाम मैंने आपको गिनवाया भी। दरअसल ये इसलिए क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर खड़े। प्रशांत किशोर की रणनीतियां उनको उन पर काम करते हुए ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं और प्रशांत किशोर की रणनीति की वजह से ही ममता बनर्जी को फायदा होता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था बहुत सोच समझ कर जारी किया था। ममता बनर्जी ने बहुत सारे उम्मीदवारों का टिकट काटा, बहुत सारे विधायकों का टिकट काटा, बहुत सोच समझ कर काटा गया। नए चेहरों को जगह दी गई, बहुत सोच समझ कर दी गई, यानी कि पूरा एक जो प्लान होता है ना, प्लान के तहत काम किया जा रहा है। ममता बनर्जी पूरे प्लान के तहत काम कर रही है और उनके प्लान का ये हिस्सा ही बता रहा है कि क्या स्थितियाँ बन रही हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में और बीजेपी किस तरह से अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है। यहां पर मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि वो फौरन अपना मोबाइल उठाएं और कमेंट करें। कमेंट करके मुझे ये बताएं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या दीदी का जादू चलेगा या फिर कमल खिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्या लग रहा है आपको कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की ये ताकत काम आएगी या फिर ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ वो काम आएगा? दर्शकों की राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है और मैं अपने प्रोग्राम में बकायदा ये बात बोलता रहता हूँ कि जैसा कि हमारे दर्शक जो भी मेरे प्रोग्राम देखते हैं वो अपना कमेंट जरूर करें, वो अपनी राय रखें। उन देखिए, राय रखना बहुत अच्छी बात होती है। अगर जनता अपनी राय रखेगी तो इससे हमें भी पता चलेगा कि आखिरकार जनता सोच क्या रही है, चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, राजनीतिक पार्टियों को लेकर क्या सोच रही है। तो ऐसे में जनता की राय बहुत ज़्यादा जो है अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। बहुत सारे प्रोग्राम जब मैं करता हूँ तो बहुत सारे दर्शक बकायदा मेरे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, वो चुनाव को लेकर जानना चाहते हैं, चुनाव में सीटों को लेकर जानना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोगों तक उन जानकारियाँ और पहुँचाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही बोलूँगा कि अभी आप तुरंत जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए। जो राजनीति में क्या क्या होने वाला है ये सब आपको मैं बताऊँगा, किन राज्यों में क्या हाल है और किस तरह से चुनावी समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, ये ताजा जानकारी, सारी जानकारी मैं अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो ऐसे में जुड़िए आप हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप उसे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपना कीमती कमेंट भी कीजिए। सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और हम आपके कमेंट को अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। तो ऐसे में दर्शक जब राय रखते हैं, अपनी बात करते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां जब वो बताते हैं तो हम उन जानकारियों को लेते भी हैं, हम दर्शकों के कमेंट को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों का कमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिर से मैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल और असम, ये दोनों जो राज्यों के चुनाव हैं ये इस तरह से बहुत ज़्यादा आज नज़र आ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल चुनाव और असम चुनाव में बीजेपी की हार होगी या फिर असम में कांग्रेस का जादू चलेगा और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का, और क्या स्थितियां बनेंगी और किस तरह का माहौल बनेगा, ये सब मैं आपको जानकारियां मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।